प्रेम से बोली छठी मैया की जय। और कुछ कुर्सी ले आना भाई। बड़ी आप सबकी कृपा हमनी के जैसन की मंच पे लिखल बटे छठ पूजा तैयारी बैठक सब छठ समिति छठ पूजा समिति के प्रमुख लोगन के हमनी के बोलौले बनी था। अभी जे बोलत रहा सब दिल्ली के अपने समाज के मानिंद लोग बाटे। हालांकि कार्यक्रम हमनी के राजनीतिक नहीं के हमनी के कार्यक्रम सामाजिक इसे आप देखा यापे के समाज के वो लड़का जो दिल्ली के अध्यक्ष बात तीसरी बार ओकर जिम्मेदारी बाटे कि आप लोग से छठ के पहले बात करें आप लोग के सुविधा समस्या तैयारियां हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन छोटी मोटी समस्या वैसे भी हमारे ऑफिस में हमारे पास आती है, हम लोग उसको देखते हैं कैसे डील किया जा सकता है। भैया संजीव देखो जो भैया लोग आ गए हैं कुछ कुर्सी। गोपाल जी काहे खड़े हो, एंट्री करवा रहे हो? अच्छा ठीक है संध्या जी आप बैठ जाओ, बाकी एंट्री तो हो ही जाएगी। हमको ये पता चलना चाहिए कि हर छठ समिति का अध्यक्ष कौन है, उससे हमारा संपर्क होना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो छठ समिति के अध्यक्ष है लेकिन वो थोड़ा सा किसी पार्टी के विचारधारा से भी जुड़े हैं, हमारी सोच उससे ऊपर। पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्योहार है छठ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे बात करें, किसी की समस्या चाहे वो हमारे लोकसभा की हो या किसी लोकसभा की। इसलिए आज यहाँ पे कुछ अधिकारी चीफ सेक्रेटरी ने ही भेजे, जो लोग आप सबकी जो बातें आएंगी वो नोट कर रहे हैं। आप जाके डिविजनल कमिश्नर सारी व्यवस्था छठ के देखते हैं, तो एक आशीष वर्मा जी समेत डिविजनल कमिश्नर है उनके प्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं। देखिए छठ का त्योहार बहुत आसान त्योहार नहीं होता है कि बड़ी रे संकट के बरतिया अम्मा दिहलू उठा। एक गीत गावर माई गाँव तरह सुनली कि बड़ी रे संकट के बरतिया अम्मा दिहलू उठा। माफ़ अब उसमें ये भी लाइन आती कि बड़ा रे साहेब के नौकरिया साहेब छुट्टियों ना दे, ऐसा भी आता है। तो संकट छठ में न आए तो फिर समझ लो छठ पूरा नहीं हुआ। हाँ मारपीट नहीं होनी चाहिए। अभी मुझे पता चला है कि वो एक दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी होंगे, वो एक सूरज चौहान नाम का अपना कार्यकर्ता भी है, उससे मारपीट अभी कर दी। संकट ये आना चाहिए कि माई छठ पर रतिया गाय के दूध कैसे आई, पूजा के प्रसाद कैसे आई, जिसे अबार पत्नी अभी अंदर बैठ के तैयारी में लागल भैया। इस बार पहली बार हमारी पत्नी छठ करने जा रही है। आज सांझ के अमर भाई बनारस से चली वो आ जाए तो हमनियों के छठ कर करी जा। हमारे मन बहुत उदास बाटे कि जमुना जी पर 2019 के बाद छठ में किया, तो मन बहुत परेशान था। यहाँ पे मीडिया के भी लोग हैं, एनआई भी है और भी चैनलों के लोग हैं। उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसके मुखिया कोई रिटायर्ड जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। हम उनसे मिलने गए थे। मैं एक सांसद के रूप में आपको जानकारी दे रहा हूं कि एनजीटी ने जमुना जी पर छठ करने को बैन नहीं किया है। ये डिसीजन दिल्ली सरकार के लोग लिए है
और उनके पीछे उनका तर्क है कि जमुना जी बहुत गंदी हो गई। लेकिन जो छुपा हुआ जानकारी है आप सबको सारी छठ समितियों को बता रहे कि उनको ये लगता है कि जमुना जी गंदी है तो लोग जाएंगे तो मीडिया आएगी भेद खुलेगा कि जमुना जी बहुत गंदी है। ये है जमुना जी पे छठ ना होने देने का। तो आज जो अजीत दुबे जी ने प्रस्ताव रखा मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। हम आपके प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत है। जिस प्रकार एलजी महोदय ने इस बार, अब अगर एलजी मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं कि भाई छुट्टी क्यों नहीं घोषित हो रही है तो एलजी का जो भाव है वो छठ व्रतियों को छुट्टी देकर सहायता करने का है, इसलिए मैं एलजी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने बीच बीच में छुपाया कुछ नहीं। और यहां यह भी प्रकट होता है कि मुख्य निर्णय जो लेना है वो सरकार को लेना है, तो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये जो छठ समिति के लोग हैं वो सामान्य लोग नहीं है। जैसा अजीत दुबे जी ने कहा, जैसा नीरज तिवारी जी ने कहा, जैसा ब्रजेश राय जी ने कहा, जैसा विपिन भाई ने कहा, जैसा आप सब जितने लोग विजय भगत जी बोले होंगे, कौशल भाई तो थोड़ा सा देर हो गया, कार्यक्रम 4 बजे खत्म भी करना है, और इसी बीच हमें आप सबको भी आमंत्रित करना है कि हम कुछ छठ समितियों के लोगों से भी बात करें। इसलिए यदि चौका बदल रहा भोग लगाओ जी, तो 10 मिनट आप लोग आप भी सुन ले कि कहीं इनकी समस्या में आपकी समस्या तो नहीं आ रही। हमारे संगठन को हटा करके लोकल बॉडी अपना संगठन को रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे को हटा दिया और वो अपने आप ही पूजा कर रहे हैं। हमारे वहाँ कोई हाथ नहीं है, नंबर काट दिया और वो अपनी सास को इलाज कर दिया। हम लोग का छठ घाट होने में दिक्कत हो रहा है वहाँ, इसलिए हम निवेदन करना है कि वहाँ पर हम लोग को, हम चाहते हैं कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, हम आपके पास आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सतीश कुमार मंडावली से आया हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि छठ पूजा बिहारियों और पूर्वांचलियों का पर्व है, तो इसमें जैसे गुरुद्वारा में गुरुद्वारा के सरदार ही सिर्फ अध्यक्ष हो सकते हैं, वैसे इसमें सिर्फ आस्था का पर्व है, इसलिए बिहारी और पूर्वांचलियों को अध्यक्ष रह जाए। हम लोग को हटा के वहाँ जबरदस्ती वो क्या किया, हम लोग को निकाल बाहर कर दिया गया है सर, ईशा जी अध्यक्ष से निकाल दिया गया है, और ये आम आदमी ये नहीं। हमारी पत्नी बोली कि आपने जो मैसेज दिया गलत दे दिया, हमने कहा क्यों क्या हो गया, बोली आप तो बोल दिए सादर आमंत्रित है, तो दूसरा लाइन कोई पढ़ ही नहीं रहा है सब, पहला ही पढ़ रहे सादर आमंत्रित चल दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, घर में जगह हो ना हो दिल में जगह है जी, कितना भी लोग आएंगे, हम लोग इसी बहाने आप ईश्वर से कम थोड़ी। ये भी शारदा सिन्हा जी के गीत चलता आवाज बंद के लिए बनी जा, शारदा सिन्हा जी की तबीयत खराब है मनु मन, ये जिंगे वहाँ के एम्स में गरीब भर्ती वाली, तो हम के प्रार्थना करे के छठी मैया से कि जिनकर गीत पाव चंदन, तो शारदा सिन्हा जी स्वस्थ हो जाए, इसके लिए भी हम लोग एक बार छठी मैया से प्रार्थना करेंगे। प्रेम से बोलिए हाथ उठा के छठी मैया की जय।